स्वागत है आप सबका स्टडी टुगेदर चैनल पर। मैं रुपेश सिंह आप सबके लिए क्लास 9 ज्योग्राफी का चैप्टर 3 जो कि ड्रेनेज उसका पार्ट 2 लेकर आया हूँ। पार्ट 1 हम देख चुके हैं। पार्ट 1 में हम जहाँ डिस्कस किए थे हिमालयन और पेनिनसुलर रिवर के ऊपर, जहाँ पर हमने जाना था ड्रेनेज क्या होता है, ड्रेनेज बेसिन क्या होता है और वाटर डिवाइड क्या होता है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे पार्ट 2 में हिमालयन रिवर और पेनिनसुलर रिवर के कितने प्रेजेंट है इंडिया में उन्हीं के ऊपर, ठीक है। हम उससे ज़्यादा आगे इसमें इस वीडियो में पर्टिकुलरली मैं बता रहा हूँ, हम इसमें यहाँ पे ज़्यादा बात नहीं करेंगे इस रिवर के ऊपर। बस मैं आपको इसका फ्लो और इसका ओरिजिन बताऊँगा इन सारे रिवर का, और जगह कहाँ से ये फ्लो होना चालू मतलब बहना चालू होते हैं वहाँ से मैं आपको बताऊँगा। और उसके बाद वाले पार्ट मतलब पार्ट 3 में हम देखेंगे इस टॉपिक्स को पर्टिकुलरली, ठीक है। तो चलिए वीडियो में बने रहिए, आगे हम डिस्कस अपना टॉपिक को चालू करते हैं। हिमालयन रिवर, हिमालयन रिवर क्या होता है? हिमालयन रिवर वैसा रिवर जो कि हिमालय से निकलता हो, ये पहला पार्ट में हम देख चुके थे, ठीक है। इसके 3 पार्ट्स का मैं आपके साथ डिस्कशन किया था। पहला पार्ट था इंदस, सेकेंड था गंगा, थर्ड था ब्रह्मपुत्र, ठीक है। तो जो इंदस रिवर है वो कहाँ से निकलता है? मानसरोवर लेक से, ठीक है। हम इसको मैप पे भी समझेंगे, पहले आप देख लें इसको कहाँ पर है, क्या नाम है इस सब का, उस चीज़ को आप समझ लें। ये कहाँ पे है? मानसरोवर लेक से निकलता है जो कि कहाँ पे प्रेजेंट है, वही हिमालय पे, ठीक है। गंगा रिवर जो कि कहाँ से निकलता है? गंगोत्री से निकलता है, ठीक है। और उसी जगह तीसरा जो रिवर है हिमालय का ब्रह्मपुत्र, वो कहाँ से निकलता है? वो भी मानसरोवर, मतलब कि इंदस और ब्रह्मपुत्र कहाँ से निकलते हैं? मानसरोवर लेक से, ठीक है। तो चलिए जान लेते हैं कहाँ से ये तीनों को पहले हम जानते हैं, फिर बाकी उनको जानेंगे। कहाँ से ये तीनों निकलते हैं इंडिया में और कैसे फ्लो होते हुए कहाँ जाते हैं? तो ये है एक ग्लेशियर जिसका नाम है, नाम तो आपको जरूरी नहीं है लेकिन फिर भी एक नाम है इसका, चेमा युंगडुंग, ठीक है। यहीं पर एक लेक प्रेजेंट है जिसको हम मानसरोवर लेक कहते हैं, ठीक है। और उसी लेक से ये रिवर निकलते हैं। पहला जो लेक है ये पार्ट से लेक का निकलता है ये, ठीक है। और ये रिवर ऐसे फ्लो होते हुए इधर चले जाता है, जिस रिवर को हम कहते हैं क्या, इस रिवर को कहते हैं हम इंडस। क्या कहते हैं? इंडस, इंडस का रिवर, इसको हिंदी में सिंधु रिवर भी कहा जाता है, ठीक है। सेकेंड जो और एक मानसरोवर लेक से निकल रहा है, दोनों मानसरोवर से निकल रहे हैं आप देख रहे होंगे, जो और एक मानसरोवर से निकल रहा है वो इस पार्ट से निकलता है, ठीक है। और वो बहते हुए कहाँ जाता है? ऐसे बहते हुए ये इधर से टर्न होता है, ऊपर से एक रिवर चाइना से एक रिवर आकर के इस पर मिलता है, ठीक है। और वो ऐसे घूमते हुए फिर इंडिया में इधर फ्लो होकर के गिर जाता है, इसको हम कहते हैं ब्रह्मपुत्र रिवर, ठीक है। ये इंडिया के अरुणाचल प्रदेश पार्ट से निकलता है। और इंदस रिवर जो है वो कहाँ पे जाता है? वो जम्मू और कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर पार्ट से फ्लो होते हुए वो निकल जाता है। और ये कौन सा पार्ट है इंडिया का? अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। अब देखते हैं हमारा जो सेकंड है, ये यहाँ पर लिस्ट में हमारा यहाँ पे थर्ड आएगा, यहाँ पे सेकंड है, वो क्या है? गंगा रिवर। पहला हम देखे इंडस जो कि बहते हुए कहाँ निकल गया? पाकिस्तान। और जो दूसरा है हमारा ब्रह्मपुत्र, वो कहाँ निकल गया बहते हुए? बांग्लादेश, ठीक है। ब्रह्मपुत्र मैं लिख देता हूँ, आपको समझने में आसानी होगा, ठीक है। और जो गंगा रिवर है, जो गंगा रिवर है वो कहाँ से चालू होता है वो समझते हैं। यहाँ एक ग्लेशियर पड़ता है, यहाँ पर एक ग्लेशियर पड़ता है जिसका नाम है गंगोत्री। क्या नाम है? गंगोत्री ग्लेशियर। वो यहाँ उत्तराखंड, ये जो गंगोत्री ग्लेशियर है वो कहाँ प्रेजेंट है? यूके मतलब उत्तराखंड, ठीक है, उत्तराखंड में प्रेजेंट है वो। ग्लेशियर से क्या होता है? एक रिवर निकलता है जिसका नाम है गंगा, वो फ्लो होते हुए इधर से लास्ट कहाँ पे? ये लास्ट करता है इंडिया के बांग्लादेश में, और सॉरी इंडिया के बंगाल में, और वहाँ से वो फ्लो होते हुए कहाँ निकल जाता है? बांग्लादेश, ठीक है। जो बांग्लादेश जाने के बाद इसका नाम पड़ जाता है पद्मा, और इंडिया में इसका नाम क्या है? गंगा। जैसे और एक रिवर आप देखे होंगे ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र भी बहते हुए कहाँ चले जा रहा है? बांग्लादेश। और उसका नाम जब वहां पे जाता है तो उसका नाम पड़ जाता है जमुना, ठीक है।
तो फिर से मैं इसको डिस्कस कर लूँ थोड़ा सा जल्दी से। ये ग्लेशियर है जहाँ पर ये मानसरोवर लेक प्रेजेंट है, वहाँ से फ्लो होते हुए एक रिवर लेफ्ट निकल जाता है। अगर मैं आपको समझने का बात करूँ तो लेफ्ट निकल जाता है जो कि कौन सा रिवर पड़ता है, उसका नाम इंडस। और फिर एक रिवर राइट निकल जाता है जो कि अरुणाचल प्रदेश से टर्न होते हुए फिर इंडिया में आता है, फिर कहाँ चले जाता है वो, बांग्लादेश, और उसका नाम क्या है, जमुना, ठीक है, सॉरी ब्रह्मपुत्र, और बांग्लादेश में उसको क्या कहते हैं, जमुना, ठीक है। और थर्ड रिवर जो है हमारा गंगा, जो कि कहाँ से निकलता है, एक ग्लेशियर है गंगोत्री के नाम से, जो कहाँ प्रेजेंट है, उत्तराखंड में, वहाँ से वो फ्लो होते हुए कहाँ जाता है, बांग्लादेश। और इंडिया का कितना टोटल स्टेट को क्रॉस करता है ये भी मैं आपको बता दूँ, पॉइंट्स में तो हम देखेंगे ही, लेकिन फिर भी यहीं पर आपको डिस्कस कर दूँ, इंडिया का टोटल ये कितना स्टेट्स को क्रॉस करता है, 5 स्टेट्स को, ठीक है, क्रॉस करते हुए यहाँ आगे में जाकर किससे मिल जाता है, बांग्लादेश से, ठीक है, सॉरी बांग्लादेश चले जाता है, ठीक है। तो देखते हैं अब हमारा पेनिनसुलर रिवर। पेनिनसुलर रिवर हम जान चुके हैं क्या होता है, ऐसा रिवर जो कि प्लेट्यूज और छोटे छोटे जगह से, कहीं से प्लेट्यूज या कोई छोटे छोटे माउंटेन से या माउंटेन से निकलते हैं जो रिवर्स, उनको कहा जाता है पेनिनसुलर रिवर। पेनिनसुलर रिवर ऐसे रिवर्स होते हैं जो कि नॉन पेरिनियल होते हैं। नॉन पेरिनियल को भी हम समझे थे पहले के वीडियो में, पेरिनियल क्या होते हैं, नॉन पेरिनियल क्या होते हैं, जिसमें पानी 12 महीना प्रेजेंट नहीं रहता, मतलब कि पूरा साल वहाँ पे पानी प्रेजेंट नहीं रहता, और ये डिपेंड किस पे करते हैं, रेनफॉल पर, ठीक है, इन्हीं इसी को कहा जाता है पेनिनसुलर रिवर। तो ये कौन कौन से रिवर हैं, ऐसे कौन रिवर हैं इंडिया में, इनको अभी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। नर्मदा रिवर, नर्मदा रिवर एक रिवर है, आप इसको चैप्टर 2 में भी मैं इसके साथ डिस्कशन किया था आपको, और जो कि 2 पार्ट में इंडिया को, यहाँ से यहाँ एक मध्य प्रदेश में जगह है, ये मध्य प्रदेश सेंटर में है इंडिया का, यहाँ पर एक अमरकंटक नाम का एक माउंटेन है, माउंटेन रेंज है, जहाँ से वो फ्लो होते हुए निकलता है और आगे बढ़ता है यहाँ पर गुजरात और महाराष्ट्र के बीच में। ऊपर में क्या है, गुजरात, और नीचे क्या है, महाराष्ट्र, इसके बीच में एक जगह है, क्या नाम है उसका, सॉरी गल्फ ऑफ कांबे, क्या नाम है, गल्फ ऑफ कांबे, वो वहाँ पर किसमें फ्लो हो जाता है, वो किसमें फ्लो हो जाता है वहाँ पर, अरेबियन सी में, ठीक है। तो मैं बात कर रहा था चैप्टर 2 का, चैप्टर 2 में मैं आपको बताया था नर्मदा रिवर के बारे में, जिसमें मैं बताया था ऊपर वाले पार्ट को सेंट्रल आइलैंड कहते हैं, नीचे वाले पार्ट को डेक्कन प्लेट्यूज कहते हैं, सॉरी। और आगे बढ़ते हैं, जो कि अमरकंटक में आपको बता दूं, फिलहाल यहाँ पर है अमरकंटक मध्य प्रदेश में, ठीक है, वहाँ से फ्लो होते हुए इधर निकल जाता है क्या, एक रिवर जिसको कहते हैं हम नर्मदा, और फ्लो कहाँ पर होता है, नर्मदा, और फॉल कहाँ पर होता है, वो अरेबियन सी पर। आइए डिस्कस करते हैं आगे, तापी रिवर बेसिन। तापी रिवर भी एक रिवर है जो कि कहां से निकलता है, यहां मध्य प्रदेश के ही एक रेंज से तापी, वहां से निकलता है, और वो भी फ्लो होते हुए इसी डायरेक्शन में जाता है, और कहां पे फॉल होता है, अरेबियन सी में, ठीक है। ये गल्फ ऑफ कांबे पे जाकर के नहीं मिलता, वो अलग पॉइंट में जाकर के मिलता है, लेकिन गुजरात तरफ ही जाता है वो, ठीक है। गोदावरी बेसिन, ये आपको गोदावरी कहाँ पर मिलेगा, यहाँ पर आपको मैं वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट का डिस्कशन किया था, यहाँ पर है क्या, वेस्टर्न घाट, और वेस्टर्न घाट में मध्य प्रदेश में एक जगह है नासिक, आप ये जानते हैं ये जगह को, साई बाबा के लिए वो बहुत जगह फेमस है, वहीं से एक रिवर निकला है, क्या नाम है उसका, गोदावरी, जो कि फ्लो होते हुए कहाँ पे घुस जाता है, अरेबियन सी में, ठीक है। महानदी बेसिन, महानदी आपको छत्तीसगढ़ पर मिलेगा, कहाँ मिलेगा, छत्तीसगढ़, यहाँ एक जगह है, इंडिया का कैपिटल है, सॉरी माफ करिएगा, छत्तीसगढ़ एक स्टेट है इंडिया का, जहाँ पर वहाँ से एक माउंटेन रेंज से रिवर निकलता है फ्लो होकर के, जिसको हम कहते हैं महानदी, और वो फ्लो होते हुए ओडिशा को फ्लो करते हुए वो कहाँ जा करके मिल जाता है, बे ऑफ बंगाल पे, बे ऑफ बंगाल में जा करके वो मिल जाता है, ठीक है। कृष्णा बेसिन, कृष्णा बेसिन महाबालेश्वर में आपको मिलेगा देखने को, महाबालेश्वर कहाँ एग्जैक्टली प्रेजेंट, मैं ये भी लिख दूँ, कर्नाटका में प्रेजेंट है ये भी, कर्नाटका में प्रेजेंट है, ठीक है। और यहाँ से वो
ईस्टर्न घाट जो है हमारा, ईस्टर्न घाट के आसपास आपको कहीं मिलेगा ये फ्लो होते हुए। और मैं ये भी बताया था ईस्टर्न घाट्स इरेगुलर हैं, चैप्टर टू में मैं बताया था ईस्टर्न घाट्स क्या हैं, इरेगुलर हैं, मतलब कि बीच बीच में ईस्टर्न घाट डिस्टर्ब्ड हैं। क्यों? कुछ रिवर्स हैं जो उसको कट करते हुए ईस्टर्न घाट को फ्लो करते हैं, कहाँ पर? बे ऑफ बंगाल में। तो ये भी वही एक रिवर है, कृष्णा बेसिन जो है, कृष्णा रिवर का बेसिन, वो भी कर्नाटका का, मान लीजिए इस पार्ट से चालू होता है और फ्लो होते हुए कहाँ जाता है? बे ऑफ बंगाल में। और चालू कहाँ से होता है? महाबालेश्वर से होता है, ठीक है। कावेरी भी उसी के आसपास कहीं से चालू होता है कर्नाटका में, और वो भी फ्लो होते हुए कहाँ जाता है? बे ऑफ बंगाल। तो चलिए जल्दी से इसको फिर से डिस्कस कर लेते हैं। पेनिनसुलर क्या होता है आप सबको मैं पहले ही बताया, ऐसे रिवर जो कि नॉन पेरिनियल हो, नॉन पेरिनियल मतलब जिनमें सालों भर पानी प्रेजेंट ना हो, वो रेनफॉल पर डिपेंड करें, ठीक है। प्लेट्यू माउंटेन से निकलने वाले रिवर्स को पेरिनियल कहा जाता है, सॉरी पेनिनसुलर कहा जाता है, ठीक है। तो पेनिनसुलर रिवर में पहला हम देखें नर्मदा रिवर। नर्मदा रिवर यहाँ अमरकंटक से चालू होता है, फ्लो होते हुए कहाँ जाता है? गल्फ ऑफ कॉम्बे, जो कि कहाँ प्रेजेंट है? गुजरात और महाराष्ट्र के बीच में। और फ्लो कहाँ होता है? अरेबियन सी में, सॉरी फॉल कहाँ होता है? ये अरेबियन सी में। इसको हम इंडिविजुअली भी डिस्कस करेंगे जब हम पार्ट थ्री को चालू करेंगे, ठीक है। और तापी रिवर जो है वो कहाँ से चालू होता है? वही रेन से, सतपुरा से, वो भी फ्लो होते हुए कहाँ आता है? गल्फ ऑफ कॉम्बे में, ठीक है। गल्फ ऑफ कॉम्बे के बगल में, ठीक है। गोदावरी बेसिन जो है वो कहाँ पे प्रेजेंट है? यहाँ वेस्टर्न घाट में, वेस्टर्न घाट से चालू होता है, वो नासिक नाम के एक जगह है कहाँ पर? महाराष्ट्र में। वहाँ से फ्लो होते हुए कहाँ आता है? वो अरेबियन सी में, ठीक है। और महानदी बेसिन जो है वो कहाँ से चालू होता है? छत्तीसगढ़ से। वो भी फ्लो होते हुए उड़ीसा से फ्लो होते हुए कहाँ चले जाता है? बे ऑफ बंगाल में, ठीक है। कावेरी बेसिन कहाँ से चालू होता है? कर्नाटका से। और वेस्टर्न घाट को क्रॉस करते हुए वो कहाँ चले जाता है? बे ऑफ बंगाल में। और कावेरी बेसिन भी उसी तरह कृष्णा जैसे चालू फ्लो होकर के बे ऑफ बंगाल गया, कावेरी भी वैसे ही ईस्टर्न घाट को कट करते हुए फ्लो होते हुए वो कहाँ चले जाता है? बे ऑफ बंगाल में। और कर्नाटका से ये भी चालू होता है, कौन सा? कावेरी बेसिन, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये पार्ट से बहुत कुछ समझने को मिला हो, ठीक है। हम पार्ट थ्री में हिमालयन रिवर को कोशिश करेंगे एक साथ में कवर कर लें, ठीक। और पार्ट फोर या पार्ट फाइव में और आगे हम इन सब को भी कवर कर लें। तब तक वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।